तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। पिछले साल इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया था और भी कई कार्यक्रमों का इस दिन आयोजन हुआ था। मगर इस बार नेताजी की जयंती को लेकर भाजपा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस हैरान है। बीजेपी से पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने कहा, नेताजी की जयंती पर कुछ कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। अगर आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो आप देश की उपेक्षा करते हैं, यह मेरा प्रधानमंत्री के लिए संदेश है। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा नीत राजक सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के अपार योगदान को मान्यता दी है। जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी नेता पवन वर्मा के सवालों पर जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर किसी के पास कोई मुद्दा है तो वह पार्टी या पार्टी के बैठकों में इस पर चर्चा कर सकता है, लेकिन इस तरह के सार्वजनिक बयान आश्चर्यजनक है। वह जा सकते हैं और किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसे वह पसंद करते हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली के नारायणा में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। क्लस्टर बस और एक स्कूल बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पलट गई। हादसे में 6 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। आपको बता दें कि ये हादसा सुबह करीब 7:15 बजे हुआ था। मेरठ में कल एक रैली संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में देश विरोधी नारेबाजी ना हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10% आरक्षण दे दीजिए। असम राज्य में 8 प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि उल्फा, NDFB, RNLF, KLO, CPI, NSLA, AGF और NLFB के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। इस बात की जानकारी पुलिस महानिदेशक ज्योति महंता ने दी और बताया कि राज्य के और असम पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। 8 उग्रवादी समूहों के कुल 644 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। इतने बड़े पैमाने पर उग्रवादियों का आत्मसमर्पण करना राज्य पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर देश में जारी प्रदर्शन में कई तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं। इन्हीं नारों को लेकर अब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि भारत माता से आजादी, कश्मीर से आजादी जैसे नारे नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में नहीं लगाए जाने चाहिए, इससे यह प्रदर्शन कमजोर होता है। आतंकियों के साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के बर्खास्त DSP देवेंद्र सिंह के श्रीनगर स्थित घर पर NIA ने कल छापेमारी की। एजेंसी को छापेमारी के दौरान 7.5 लाख रुपए कैश, एक नक्शा और कुछ संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों के मिलने के बाद NIA ने देवेंद्र सिंह को दिल्ली ले जाने का प्लान फिलहाल छोड़ दिया है। NIA आज देवेंद्र सिंह को ट्रांजिस्टर रिमांड पर लेकर जम्मू कश्मीर पहुंची है। देवेंद्र सिंह के अलावा NIA ने श्रीनगर के गुलशन नगर स्थित एक डॉक्टर के घर पर भी छापेमारी की। निर्भया की मां ने कंगना के बयान पर उनका समर्थन किया और कहा, मैं कंगना रनौत के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं, मैं उनका धन्यवाद करती हूं, मैं किसी की तरह महान नहीं बनना चाहती, मैं एक मां हूं और 7 साल पहले मेरी बेटी की जान गई है और मैं सिर्फ बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि इंदिरा जयसिंह जैसी औरतों की कोख से ही दुष्कर्मी पैदा होते हैं, ऐसी औरतों को दुष्कर्मियों के संग 4 दिन जेल में रखना चाहिए। एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 3 की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही खबरें आ रही हैं कि फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब टाइगर और जैकी एक साथ नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाल ने दी। उन्होंने कहा, बागी 3 में जैकी टाइगर श्रॉफ के पापा के किरदार में होंगे। फिल्म में उनका कैमियो रोल होगा। फिल्म में वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।